बसमिल्लामाहीम वेलकम टू माई चैनल टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ओप फॉर डाटा स्ट्रक्चर्स सो लेट स्टार्ट डेटा स्ट्रक्चर्स के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये मैंने इस पर सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए कि कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं कि ऊप के कुछ जो कॉन्सेप्ट हैं तो उनको यूज़ किस तरह से आगे किया जाता है फिर वो इंटरेस्ट से नहीं करते समाइम्स उनको क्लैरिफिकेशन नहीं होती जिसकी वजह से वो ऊप सही से नहीं पढ़ते और फिर डेटा स्ट्रक्चर में उनको प्रॉब्लम होती है सो so, जो भी हम ऊप में कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं डिस्ट्रक्टर्स बनाते हैं क्लासेस होती हैं ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं तो ये सब कॉन्सेप्ट डेटा स्ट्रक्चर्स में ये एक डाटा स्ट्रक्चर के लिए एक प्री है कि इनका होना बहुत ज़रूरी है आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपको इसका यूज़ आना चाहिए जैसा कि हम नॉर्मली सी प्लस प्लस में हमने थोड़ा सा ए, किया है ऊप थोड़े से कुछ लेक्चर्स किए हैं ज़्यादा तो नहीं किए अभी तक कुछ ही किए हैं और फंडामेंटल्स प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स के हमने ज़्यादा लेक्चर्स पढ़े हुए हैं तो लेकिन इन शॉर्ट ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए क्योंकि नॉर्मली नेक्स्ट सेमेस्टर में जो है वो फिर डाटा स्ट्रक्चर्स होती है तो उसमें फिर ये है कि जिस तरह स्टैक्स हो गई क्यूज़ हो गई और ट्रीज़ हो गए, और ट्रीज हो गए तो इन सब के लिए हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं फिर हम कंस्ट्रक्टर्स बनाते हैं डिस्ट्रक्टर्स बनाते हैं और क्योंकि अब वो स्टैक्स यूज़ वो भी एक अलग से कॉन्सेप्ट है लिस्ट का तो जिसको ऊप में थोड़ी क्लैरिफिकेशन नहीं होगी कम होगी तो वो फिर उसके लिए डाटा स्ट्रक्चर में वो फिर पहले ऊप को करेगा ऊप के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा फिर डाटा स्ट्रक्चर पर आएगा तो ये फिर ज़ाहिर टाइम क्योंकि है जब सेमेस्टर जो है वो शॉर्ट होता है तो जिसकी वजह से अगर ऊप के भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करना शुरू हो जाए बंदा स्ट्रक्चर्स वगैरह जो भी स्ट्रक्चर्स क्लासेस होती हैं तो फिर उसके बाद फिर डाटा स्ट्रक्चर पे आए तो वो फिर ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है और फिर सेमेस्टर सिस्टम में क्योंकि नॉर्मली फोर फोर मंथ्स के अराउंड होता है तो फिर इसमें मुश्किल होती है तो इससे ये बात आप क्लियर इसको जहन में माइंड में रख लें कि ऊप बहुत ज़रूरी है और इसमें जो भी कंस्ट्रक्टर्स डिस्ट्रक्टर्स ये सब चीज़ें जो भी होती हैं कि मेमोरी को फ्री करना डिलीट का ऑपरेटर यूज़ करना न्यू का ऑपरेटर यूज़ करना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन तो ये सब का यूज़ मतलब हम फिर फिर डाटा स्ट्रक्चर में करते हैं क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर में होता ही है कि हम एक चीज़ को एक एल्गोरिदम को कितना एफिशिएंट कर सकते हैं एक जो हमारा रिक्वायर्ड टास्क है उसको हम कितना एफिशिएंट कर सकते हैं अब जस्ट लाइक मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि सपोज एक काम जो है वो हंड्रेड टाइम्स कुछ प्रिंटिंग हो रही है तो वो एक नॉर्मल जिसने फर्स्ट डे नॉर्मली जो कॉन्सर्प्ट पढ़ा जाता है वो ये होता है कि सी आउट स्टेटमेंट का जो हम यूज़ करते हैं ठीक है तो अब वो अगर किसी को आ जाए उस को जिसने फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे एक दिन लगाया और सी आउट की स्टेटमेंट सीखी है तो वो तो सौ टाइम्स कोई चीज़ प्रिंट करनी होगी तो वो सौ स्टेटमेंट सी आउट की लिखेगा लेकिन जिसने फॉर लूप पढ़े हैं तो वो फॉर लूप का यूज़ करेगा तो इसलिए वो अपने प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाएगा अब समटाइम्स ये है कि हम जिस तरह प्रोग्रामिंग फंडामेंटल में हमने ब्रेक स्टेटमेंट्स का यूज़ किया है अब समटाइम्स ये होता है कि ब्रेक स्टेटमेंट ना भी यूज़ करें तो प्रोग्राम रन हो जाता है लेकिन कुछ स्टेटमेंट्स वैसे ही चल रही होती हैं कि उनका प्रोग्राम हमारा टास्क कम्प्लीट हो चुका है लेकिन क्योंकि वो लूप हमने इस तरह का बनाया होता है कि हमें जो है वो लाजमी उसने चलना होता है तो हम ब्रेक की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते तो वो फिर चल तो जाता है लेकिन यहाँ पर एफिशिएंसी की बात की जाए तो ये इतना एफिशिएंट नहीं है यानी कि जहाँ पर आपको ब्रेक स्टेटमेंट लगानी चाहिए वहाँ पर आपको उसका यूज़ करना पड़ेगा ठीक है अगर आप प्रोग्राम को एफिशिएंट बनाना चाहते हैं ऑप्टिमाइज़ करना चाहते हैं तो इस सब के लिए डेटा स्ट्रक्चर हमें यही चीज़ सिखाई जाती है कि हम किस तरीके से एफिशेंट एल्गोरिदम्स बना सकते हैं अब जिस तरह मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि डिक्शनरी की आप बात कर लें तो डिक्शनरी में हम कितने ईजीली हम वर्ड्स को फाइंड कर लेते हैं तो ये सब एक डेटा स्ट्रक्चर से सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स होते हैं कि जिस तरह ट्रीज़ हो गए ट्रीज़ में बहुत ही एफिशिएंसी होती है कि हम बड़े इजीली कोई भी नोड वगैरह फाइंड कर सकते हैं जो आप अगर डेटा स्ट्रक्चर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ेंगे तो ये मेरी वीडियो उन्हीं के लिए है ज़्यादा के जो डे हैं और डेटा स्ट्रक्चर जिन्होंने भी नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़नी है तो आपको प्रॉपर फोकस करना चाहिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पर सब का आप यूज़ करेंगे कंस्ट्रक्टर्स का डिस्ट्रक्टर्स का हाँ कुछ यहाँ पर एक बात करते चलो कि कुछ अल्टरनेटिव्स भी होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो अल्टरनेट होती हैं हम जब उनके कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं तो हमें प्रोग्रामिंग में अल्टरनेट वेज़ प्रोवाइड किए जाते हैं स्विच और एफेल्स में मतलब इसके सेंटेक्स का तो फ़र्क है लेकिन नॉर्मली हम स्विच को एल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं एफेल्स को स्विच में कर सकते हैं और सॉरी इफ़ इफ की बात करो मतलब एल्स भी हो सकती है इफ़ इफ भी हो सकती है तो ये स्विच का भी यूज़ कर सकते हैं और साथ में फॉर लूप है और वाइल लूप है तो कुछ अल्टरनेटिव्स होते हैं नो डाउट के मतलब समटाइम्स ये होता है कि उन अल्टरनेटिव में से भी एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक बेस्ट होता है लेकिन उसके बावजूद आप फॉर लूप को जिस तरह वाइल्ड में कन्वर्ट कर सकते हैं वाइल को फॉर में तो उसके बावजूद आप देखें तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कुछ टास्क ऐसे होते हैं कि जिसके लिए फॉर लूप ज़्यादा अच्छा रहता है और कुछ ऐसे होते हैं जिसके लिए वाइल लूप ज़्यादा अच्छा रहता है ठीक है तो ये सब इन शॉर्ट ये मैं कहना चाहता हूँ के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं उसको सही तरीके से अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करें ताकि आपको डाटा स्ट्रक्चर में इशू ना हो आ, क्योंकि डेटा स्ट्रक्चर में ये ऊप लाजमी यूज़ होती है क्लासेस बनानी पड़ती हैं ऑब्जेक्ट्स बनाने पड़ते हैं फंक्शन की कॉलिंग जो मेथड्स होते हैं क्लास के उनकी कॉल करनी पड़ती है हमें तो इस सब के लिए आपको ऊप आनी चाहिए तो ताकि आप डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से पढ़ सकें क्योंकि डाटा स्ट्रक्चर थोड़ा सा आ, मतलब यह है कि डिफ़िकल्ट तो नहीं होगा अगर आप कोई सही तरीके से उसको पढ़ेगा लेकिन शुरू में प्रॉब्लम्स इसमें आती हैं डेटा स्ट्रक्चर में लेकिन तो उसमें यह है कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सही नहीं होगी तो वो फिर थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आपके लिए बन जाए तो इसलिए बेटर है कि आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अच्छे से पढ़ें उसके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें एंड ताकि आपके आगे डेटा स्ट्रक्चर में आपको इशू ना हो और आप उसको बेटर वे में थोड़े आसानी से कर सकें क्योंकि आपको फिर ऊप की टेंशन नहीं होगी कि ऊप में इशू है आपको ऐसा कुछ नहीं होगा आपको सिर्फ डाटा स्ट्रक्चर पे आपका फोकस होगा और जब आपका फोकस डाटा स्ट्रक्चर पे होगा तो आप डाटा स्ट्रक्चर को अच्छे से कर सकेंगे सो so, ये मेरी आज की थोड़ी सी डिस्कशन थी तो थैंक्स फॉर वॉचिंग